हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पूजाज गुड लाइफ। हर बार की तरह आज भी कुछ नया सिखाने जा रही हूँ। आज मैं आपको सिखाऊंगी वेज सैंडविच। वेज सैंडविच बच्चे जो है वो बहुत ही पसंद करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है मेरे बनाए हुए सैंडविच भी आपके बच्चे और फैमिली मेम्बर बहुत पसंद करेंगे। चलो आइए देखते हैं। वेज सैंडविच बनाने के लिए मैंने यहाँ पर गाजर ली है। मैंने यहाँ पर एक गाजर को कद्दूकस किया है। साथ में मैंने यहाँ पर पत्ता गोभी ली है, ये भी मैंने एक कटोरी ली है और इसको मैंने अच्छे से कद्दूकस किया है। और मैंने यहाँ पर मेयोनीज़ ली है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये बड़े ब्रेड का पीस लिया है, इसे जम्बो ब्रेड भी बोलते हैं। वैसे तो इससे बड़ी भी आती है लेकिन मैंने इसी साइज़ की ली है। इससे हमारे जो है वेज सैंडविच बहुत ही अच्छे बनेंगे और टेस्टी बनेंगे। वेज सैंडविच बनाने के लिए नेचुरल सी बात है कि हमें वेजिटेबल्स चाहिए होंगी। मेरे पास जो अवेलेबल थी मैंने वो ली है। आप इसमें कैप्सिकम, कुकुम्बर और भी जो भी आपको पसंद हो वो सब्जियां जो है वो चॉप करके डाल सकते हैं। देखिए मुझे पत्ता गोभी जो है थोड़ी बड़ी बड़ी लग रही है, खिली खिली, लेकिन अब हम इसे थोड़ा और चॉप करेंगे ताकि ये अच्छे से मैश हो जाए और हमारे सैंडविच में अच्छे से मिले। देखिए मैंने इसे चॉपर में अच्छे से चॉप कर दिया है, आप भी इसे इतना ही बारीक रखना। मैंने जो यहाँ पर मेयोनीज ली है इसमें कुछ मिक्स वेजिटेबल्स हैं। आप चाहे तो इसमें सिंपल वाला भी ले सकते हैं, वो वाइट कलर का होता है, उससे भी हमारी जो है सैंडविच बहुत ही अच्छे बनते हैं। अब मैं यहाँ पर ब्रेड का एक पीस लूँगी और इसे साइड से अच्छी तरह से काट दूँगी। इसका साइड वाला पार्ट जो है हमें इसमें अलग करना होगा, तभी जो है हमारे सैंडविच टेस्टी बनेंगे। इस तरह से आप काटेंगे इसको, चारों तरफ से ही हमने इसको कट करना है। इसी तरह मैं दूसरा पीस लूंगी और उसको भी ऐसे ही साइड से मैं कट कर दूंगी। मैंने यहाँ पर बड़ा नाइफ लिया है, आप चाहे तो छोटा नाइफ भी ले सकते हैं, उससे भी ये इजीली कट जाएंगे। देखिए मैंने ब्रेड पीस को चारों तरफ से कट कर दिया है। अब मैं इसकी फिलिंग जो है तैयार करना शुरू करती हूँ। यहाँ पर मैंने एक खाली बाउल लिया है, उसमें मैं अपनी पत्ता गोभी जो कि मैंने चॉप की हुई है बारीक बारीक, वो मैं इसमें डाल दूंगी। साथ ही मैंने यहाँ पर गाजर को कद्दूकस किया हुआ है, वो भी मैं इसमें मिला दूंगी। अब मैं इसमें हाफ स्पून नमक डालूंगी, उससे इसका टेस्ट अच्छा आएगा और हमें फीका फीका नहीं लगेगा। और इसे मैं अच्छी तरह से मिला दूंगी। ये बहुत ही इजी रेसिपी है। कभी आपको सफ़र में जाना हो, अचानक से कुछ भी तैयार करना है खाने के लिए, तो आप इसे इजीली फटाफट से तैयार कर सकते हैं। अब मैं इसमें 1 स्पून और 2 स्पून मैं इसमें मेयोनीज मिला दूंगी। और हम इसे अच्छे से मिलाएंगे ताकि जो हमारी मेयोनीज है सारी वेजिटेबल में अच्छे से मिल जाए। अब इसे आप लगातार मिलाते रहिए जब तक कि सारी वेजिटेबल्स और मेयोनीज आपस में एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से मिल नहीं जाती। अब ये ऑलमोस्ट बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इस फिलिंग को अपनी ब्रेड में मिलाएंगे। मैंने यहाँ पर ब्रेड लिया है और मैं अपनी मेयोनीज वाला पेस्ट जो है वो सारा मैं इसमें लगा दूंगी। इसको इस मिक्सचर को हम सारी ब्रेड के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। चारों तरफ से हमें इसको
जो है चारों कॉर्नर पर लगाना है। अब मैंने इस पेस्ट को सारा अच्छे से स्प्रेड कर दिया है और चारों कॉर्नर्स में लगा दिया है ताकि अच्छे से ये खाने में भी टेस्टी लगे। इससे हमारा टेस्ट जो है चारों तरफ से भी है बराबर रहता है। अब मैं इसका दूसरा पीस लूँगी और इसके ऊपर ऐसे रख दूँगी और फिर मैं इसे कटर से ऐसे कट करूँगी। देखिए मैंने इसको ऐसे कट किया है। देखिए हमारे वेजिटेबल सैंडविच बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब मैं इन्हें सर्व करूंगी। डियर फ्रेंड्स, आपको मेरी वेज सैंडविच की रेसिपी कैसी लगी ये मेरे कमेंट में ज़रूर लिखिए। और जैसा कि मैं आपको हर बार कहती हूँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।